और ये प्रार्थना करेंगे। स्वर्ग पिता परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद देते हैं, हम स्तुति करते हैं प्रभु जी, तेरा कृपा अनुग्रह दया के लिए धन्यवाद। आज हमारे लिए दिया हुआ नया दिन के लिए धन्यवाद प्रभु जी। आज भी आप हमारे लिए उद्धारकर्ता है, रक्षक है, कृपाल अनुग्रहकारी परमेश्वर। आज हमारे लिए, हमारा भाई बहन बच्चों के लिए प्रभु जी आपने जो आशीष दिया है, वचन दिया है, वायदा किया है, इस वायदा के लिए हम धन्यवाद देते हैं। कभी नहीं छोड़ूंगा, कभी नहीं त्यागूंगा, अंत तक साथ रहूंगा करके वायदा किया है। उस वायदे के अनुसार प्रभु आज हमारे साथ है। आपके उपस्थिति में प्रभु जी हम आनंदित होने के लिए, मगन होने के लिए, हम तेरी स्तुति आराधना करने के लिए हमारे को सहायता कर प्रभु जी। इस जगह को तेरे महिमा से भर दीजिए। हर गलत बातों को, हर अशुद्ध आत्मा को, गलत विचारों को यीशु के नाम से हम दूर करते हैं। जगह में पूरा आपके उपस्थिति भर जाए, तेरा प्रेम का नदी बह जाए, एक एक दिलों को हरा भरा कर दें, तेरे आशीष से भर दे, यीशु के नाम से मांगता हूँ पिता, आमीन। 408 ओ तेरी स्तुति और आराधना करता हूँ मैं तुझसे ये प्रार्थना, महिमा से तेरी तू इस जगह को भर, जो भी तू चाहे तू यहाँ पर कर। हाले हालेलुया 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 ले हालेलुया हालेलुया हालेलुया। करुणा से तेरी नया दिन दिखाता है, डाल बनकर मेरी मुझे बचाता है, जब मैं पुकारूं तू दौड़े आता है, जब मैं गिरूं मुझे उठाता है। आले हालेलुया 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 हालेलुया। सारा जगह में तुझसा कोई नहीं, तुझको छोड़ कोई प्रभु है नहीं, घुटने में टेकूं बस तेरे सामने, तू है मेरा प्रभु तू मेरा पिता। आले हालेलुया 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 आले हालेलुया हालेलुया हालेलुया। के समान कोई नहीं है प्रभु, राजाओं का राजा आपका तुलना कोई नहीं। हालेलुया महान प्रभु धन्यवाद। 411 नंबर यहोवा महान है, सबसे महान है, उसकी करुणा सदा के लिए है। यहोवा महान है, सबसे महान है, उसकी करुणा सदा के लिए है। वह पवित्र सत्य सर्व शक्तिमान,
पवित्र सत्य सार महान तू है प्रभु महान तू है प्रभु यहोवा मान है अति सामर्थ्य है मेरा छुड़ाने वाला वो जीवित है यहोवा महान है आदि सामर्थ्य है मेरा छुड़ाने वाला वो जीवित है वह पवित्र सत्य सर्व शक्तिमान पवित्र सत्य सर्व शक्तिमान महान तू है प्रभु महान तू है प्रभु अद्भुत काम करने वाला पराक्रम में महान सर्वव्यापी सर्वज्ञानी व सर्वशक्तिमान अद्भुत काम करने वाला पराक्रम में महा सर्वव्यापी सर्वज्ञानी व सर्वशक्तिमान व पवित्र सत्य सर्व शक्तिमान पवित्र सत्य सर्व शक्तिमान महान तू है प्रभु महान तू है प्रभु सर्वव्यापी सर्वज्ञानी ओ पराक्रम प्रभु धन्यवाद 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 हालेलुया नमस्ते प्रभुले निदान दरियाल नहादे से ओ मेरे निकलो वाटो न प्रकार महान से पूरात्मा चंगाई वाला सामर्थ्य वाला रूपाला वीर बना महामारी से बचाने वाला हमारे जीवन दाता कृपा से भरे 724-724 प्रभु बाला है उसकी स्तुति वो उसकी करुणा सदा की है प्रभु बाला है उसकी स्तुति वो उसकी करुणा सदा की है उसकी करुणा सदा की है उसकी करुणा सदा की है प्रभु बाला है उसकी स्तुति वो उसकी करुणा सदा की है बुद्धि से अपने रचा आसमान जल के ऊपर फैलाया जमीन बुद्धि से अपने रचा आसमान जल के ऊपर फैलाया जमीन सूरज बनाया दिन के लिए चांद और तारे रात के लिए सूरज बनाया दिन के लिए चांद सितारे रात के लिए उसकी करुणा सदा की है उसकी करुणा सदा की है प्रभु बाला है उसकी स्तुति वो उसकी करुणा सदा की है जंगल के मार्ग में चलाया उन्हें चट्टान से पानी पिलाया उसने जंगल के मार्ग में चलाया उन्हें चट्टान से पानी पिलाया उसने
स्वस्थ मन्ना उसने दिया, देश के वारिस बनाया उन्हें। स्वस्थ मन्ना उसने दिया, देश के वारिस बनाया उन्हें। उसकी करुणा सदा की है, उसकी करुणा सदा की है। प्रभु बाला है उसकी स्तुति वो, उसकी करुणा सदा की है। सुदिली हमारी दुर्दशा में, दुश्मन के हाथ से छुड़ाया हमें। सुदिली हमारी दुर्दशा में, दुश्मन के हाथ से छुड़ाया हमें। पाक लहू से खरीदा उसने, स्वर्गीय वारिस बनाया हमें। पाक लहू से खरीदा उसने, स्वर्गीय वारिस बनाया हमें। उसकी करुणा सदा की है, उसकी करुणा सदा की है। प्रभु बाला है उसकी स्तुति वो, उसकी करुणा सदा की है। प्रभु बाला है उसकी स्तुति वो, उसकी करुणा सदा की है। हालेलुया बरा 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 கட்டுத்தந்தாரே இயேசு நமக்கு கவலை பட வேண்டாம். எதை நாம் உண்போம், எதை நாம் குடிப்போம், எதை நாம் உண்போம், எதை நாம் குடிப்போம், நாடவே வேண்டாம், தேடவே வேண்டாம். கர்த்தர் அறிவாரே, நிதமும் தருவாரே. உடுத்துகிறாரே காட்டு மலர்களை, நம்மையும் உடுத்துவிப்பார். அவை உழைப்பதும் இல்லை, நூற்பதும் இல்லை, உழைப்பதும் இல்லை, நூற்பதும் இல்லை. சாலமோனிலும் அதிக மகிமையாய் காட்டு பொருட்களை உடுத்துவிக்கிறாரே. ஆமேன். ஹலலுயா 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 ஹலலுய் धन्यवाद 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 हालेलुया धन्यवाद 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 हालेलुया 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 यीशु के प्रेम का झंडा लहराए, यीशु के प्रेम का झंडा लहराए। माता की गोद सा तेरी गोद में रहूं, माता की गोद सा तेरी गोद में रहूं। हर दिन दिल मेरा तेरे लिए आमता प्रभु, हर पल हर क्षण तेरे लिए प्रेमी प्रभु। हर दिन दिल मेरा तेरे लिए आमता प्रभु, हर पल हर क्षण तेरे लिए प्रेमी प्रभु। स्व
स्वर्ग से प्रभु महाराजा मेरे, तुझसे वो मिलन दिल की ये लगन। आमीन। हम धन्यवाद करेंगे, स्तुति करेंगे। हालेलुया। प्रभु हमारा अनुग्रहकारी परमेश्वर, दयालु परमेश्वर, सबको छुड़ाने वाले, उठाने वाले, सबको बचाने वाले प्रभु, हम आपका धन्यवाद देते हैं। आज मेरे भाई बहन बच्चे लोग जो भी पीड़ित है, उन सबको चंगाई देने के लिए आपकी चंगाई का सामर्थ्य कार्य करें। यीशु मसीह के नाम से चंगाई का नदी महिमा ये जी कलीसिया में, सारे सब्सक्राइबर्स के जीवन में बह जाए, शरीर में आनंद भरपूरी चंगाई यीशु के नाम से हो जाए। हालेलुया। एक एक वायरस को, एक एक हालेलुया कीटाणुओं को यीशु के नाम से आदेश देते हैं, मर जाए, चले जा, यीशु मसीह के नाम से हट जाए, हट जाए। राबादूरा खबारा बराबर, तेरी स्तुति हो, तेरी महिमा हो। धन्यवाद प्रभु जी। आमीन। भाई हम वचन के और आगे बढ़ेंगे, प्रभु हमारे आशीष दे। आमीन। मसीह में मेरे प्यारे भाई बहन बच्चे लोग, पिता परमेश्वर और यीशु मसीह की ओर से शांति और अनुग्रह आपको मिले। आज हम वचन मनन करने जा रहे हैं, कुलुसियों की किताब तीसरा अध्याय में पहला वचन को पढ़ेंगे, और भी कुछ वचनों को पढ़ेंगे और मनन करेंगे। कुलुसियों को तीसरा अध्याय पहला और दूसरा वचन। अतः जब तुम मसीह के साथ जिलाए गए तो स्वर्गीय वस्तुओं की खोज में रहो, जहां मसीह विद्यमान है और परमेश्वर की दाहिने और बैठा है। पृथ्वी पर की नहीं, परंतु स्वर्गीय वस्तुओं पर ध्यान लगाओ, क्योंकि तुम तो मर गए और तुम्हारा जीवन मसीह के साथ परमेश्वर में छिपा हुआ है। जब मसीह, जो हमारा जीवन है, प्रकट होगा, तब तुम भी उसके साथ महिमा सहित प्रकट किए जाओगे। जो वचनों को हमने अभी पढ़ा है, उसमें प्रेरित पौलुस कुलुसी कलीसिया के लिए कह रहे हैं कि यीशु मसीह के पुनरुत्थान के बारे में कह रहा है कि यीशु मसीह मरो में से जिलाकर स्वर्गस्थानों में उठाया गया, वहां पर परमेश्वर की दाहिने और बैठाया गया। उसके साथ ही साथ और एक बात भी कह रहे हैं, एक एक विश्वासी के बारे में बोल रहे हैं, तुम भी उसके साथ जिलाए गए और स्वर्गीय स्थानों में उसके साथ बिठाए गए। तो इसलिए कह रहे हैं, तुम्हारा जीवन वहां पर मसीह के साथ परमेश्वर में छिपा हुआ है। जब मसीह प्रकट होगा, हमारा जीवन है वही प्रकट होगा, तुम भी महिमा में प्रकट होगी। तो इसलिए कहते हैं, पृथ्वी पर की नहीं, परंतु स्वर्गीय वस्तुओं का खोज में रहो। हमारा मन कहाँ पर हम लगाना है, अंग्रेज में लिख रहे हैं, सेट योर माइंड ऑन हेवनली थिंग्स, जो स्वर्गीय वस्तुओं पर अपना मन को लगाना है। हमारा मन किस पर लगाया जाना चाहिए, कहाँ, किसके लिए हमारा मन केंद्रित होना चाहिए, स्वर्गीय वस्तुओं की केंद्रित होना है। मसीह के साथ हम जिलाए गए हैं, मसीह के साथ क्रूस पर चढ़ाए गए, मसीह के साथ कब्रिस्तान में रखा गए, मसीह के साथ जिलाए भी गए और उसके साथ उठा लिया गया, उसके साथ बैठाया भी गया है। यफिश की किताब में दूसरा अध्याय में इस बातों को हम पढ़ सकते हैं। तो आज हम कुछ बातों को इसके विषय में मनन करने जा रहे हैं, हमारा मन किसके पीछे पड़ना चाहिए, हमारा जीवन का मकसद क्या होना चाहिए, क्या हमारे लिए प्राथमिकता होनी चाहिए, किस बातों के लिए महत्वपूर्ण है समझना चाहिए, किस बातों के लिए हमारा जीवन में इम्पोर्टेंस होना चाहिए, उस बातों पर हम अपना मन को लगाते। यीशु ने कहा, जहाँ तेरा धन है वहाँ तेरा मन है। मतलब जिस बातों को हम महत्वपूर्ण जानते हैं, उस बातों को ऊपर मन लगाते हैं। आज यीशु मसीह का बच्चे लोग, यीशु मसीह को विश्वास करने वाले मेरे भाई बहन बच्चे लोग, सेवक लोग, विश्वासीगण जो भी हैं, आज आप यीशु मसीह को विश्वास करते हो, स्वर्गस्थानों में आपका नाम लिखा हुआ है, स्वर्ग में से यीशु मसीह कभी भी प्रकट होने वाला है, तो हम यीशु मसीह के राज्य के लिए, उसके बातों के लिए ध्यान लगाना है, मन लगाना है। तो आज उसके विषय में हम पढ़ने जा रहे हैं, प्रेरित पौलुस की किताब से भी, पत्रस की किताब से भी हम कुछ बातों को देखना चाहते हैं, किस बातों के लिए हम पीछे पढ़ना चाहिए, किस बातों के लिए अपना मन को लगाना चाहिए।
तो आइए हम वचन की ओर हम जाएंगे, किस किस बातों पर हमारा मन को लगाना चाहिए। प्रेरित पौलुस अपना जीवन में बहुत मकसद रखते हुए जीवन व्यतीत करता था। वो कहता है मेरा मन एक ही बातों के लिए लगा हुआ है, मेरा मन उसी में लगे हुए हैं। जो बात है उसके जीवन में इम्पॉर्टेंट है, उस चीज़ के लिए सब कुछ करने के लिए वो तैयार था। कहता है मसीह से मुझे सेवकाई मिला है, उसी के लिए मैं अपना मन को लगाते रहता हूँ। प्रेरितों को किताब 20 अध्याय का 24 वचन में पौलुस इस तरह से कह रहा है, परंतु मैं अपने प्राण को कुछ नहीं समझता कि उसे प्रिय जानूं, वरन यह कि मैं अपने दौड़ को और उस सेवा को पूरी करूं जो मैंने परमेश्वर के अनुग्रह के सुसमाचार पर गवाही देने के लिए प्रभु यीशु से पाई है। देखिए उसके जीवन में मन किस पर लगा हुआ है, किसके पीछे उसका मन चल रहा है। वो स्वर्गीय वस्तुओं की खोज में रहता है। कहता है मेरे लिए एक बुलावट है, मेरे लिए एक अनुग्रह का सुसमाचार प्रचार करने के लिए, मेरे लिए गवाही देने के लिए मुझे अनुग्रह मिला है, अनुग्रह का प्रचार करने के लिए, पाप क्षमा का प्रचार करने के लिए, क्रूसित हुआ यीशु मसीह का बलिदान के बारे में, उसके पुनरुत्थान के बारे में प्रचार करने के लिए, परमेश्वर का अनुग्रह का वचन है उसको प्रचार करने के लिए मुझे सेवा मिली है। कहते हैं मेरा मन उसी में लगा है, अपने दौड़ को मैं पूरा करना, वो आत्मिक दौड़ रहा है, आत्मिक सेवा कर रहा है। कहते इसी के लिए दूसरी बातों को मैं ध्यान नहीं देता हूँ, इवन प्राण को भी कुछ नहीं समझता कि उसे प्रिय जानूं, वरन कि मैं अपने दौड़ को और उस सेवा को पूरी करूं। यही उसके जीवन में एक बड़ी उमंग, एक मन लगा रहता था। इसके कारण अच्छी तरह वो दौड़ को पूरी कर पाया। आज मेरे भाई बहन बच्चे लोग भले विश्वासी गण होंगे, सेवक लोग कोई भी हो, आपके लिए परमेश्वर का एक पर्पस रहे, एक मकसद रहता है, उस मकसद के पीछे आपको दौड़ना है। काफ़ी समय में हम दूसरे लोगों की सेवा में, दूसरे लोगों की मकसद के लिए, जो परमेश्वर का मकसद दूसरे के लिए जो होगा, उस मकसद के पीछे हम दौड़ते हुए अपना समय को गवा देते हैं, उसको वेस्ट कर देते हैं। ऐसा समय को गवाना नहीं। आज मेरे बच्चे लोग, आपके लिए परमेश्वर का एक बुलावट होगी, आपके लिए परमेश्वर की इच्छा होगी आपका जीवन में, उसको पूरा करने के लिए आप अपना दौड़ को दौड़ना चाहिए। दूसरा तीमुथियुस में पौलुस तीमुथियुस को लिख रहा है, कोई सेना में नाम लिखवाया ऐसे एक योद्धा के बारे में कह रहे हैं, उसका उदाहरण देते हुए तीमुथियुस को बता रहे हैं, तुम भी यीशु मसीह के सेवा में, उस आत्मिक युद्ध में, आत्मिक लड़ाई में, उस सेना में तुम योद्धा बन गए हो। तो लिख रहे हैं जब कोई योद्धा लड़ाई पर जाता है तो इसलिए कि अपने भर्ती करने वालों को प्रसन्न करे, अपने आप को संसार के कामों में नहीं फंसाता, अपने आप को परमेश्वर का ग्रहण योग्य और ऐसा काम करने वाला ठहराने का प्रयत्न कर जो लज्जित होने न पाए और जो सत्य के वचन को ठीक रीति से काम में लाता हो, पर अशुद्ध बकवास से बचा रहे, क्योंकि ऐसे लोग और भी अभक्ति में बढ़ते जाएंगे। तो यहाँ पर दूसरे तीमुथियुस 2:4 में भी, 15 और 16 में भी जो वचन हमने पढ़ा है वो कह रहे हैं अपने भर्ती करने वालों को प्रसन्न करना है। हमारे लिए जब सेना में जो नाम लिखवा लेते हैं, उनके ऊपर जो ऑफिसर्स होंगे, उनके जो काम पे लगाएं, उनको इच्छा के अनुसार करना पड़ता है। अपना कामों में, अपने खुद के बातों में अपना आपको व्यस्त नहीं कर सकते, अपना आपको टाइम को वेस्ट नहीं कर सकते। बोलता है ग्रहण योग्य सेवक रहो, अपना आपको परमेश्वर का ग्रहण योग्य, परमेश्वर का अप्रूवल, परमेश्वर का सर्टिफिकेट मिलनी चाहिए कि सही ढंग से काम किया है, लज्जित होने वाला न रहे, सत्य के वचन को ठीक रीति से काम में लाता हो। सही ढंग से वचन को काम पे लगाना अपना जीवन में, अपने साथी लोगों के जीवन में परमेश्वर के सत्य वचन को सही ढंग से काम पे लगाने वाले एक मनोभावना हम सबके लिए ज़रूरी है। अशुद्ध बकवास से जो है, अभक्ति से बढ़ाने वाले ऐसे बातों में, लड़ाई झगड़ा में, जो विभाजित करने वाले, भेदभाव करने वाले बातों पर अपना मन न लगाएं। आखिरी दिनों के चिन्ह है, यीशु मसीह बताते थे आखिरी दिनों में क्या होगा, लोगों के प्रेम ठंडा हो जाएगा। मत्ती का 24 अध्याय में कहते थे लोगों का प्रेम ठंडा हो जाएगा, जो अंत तक धीरज धरे रहेगा
उसी का उद्धार होगा और राज्य का यह सुसमाचार सारे जगत में प्रचार किया जाएगा। जब जातियों पर गवाही हो तब अंत आ जाएगा। मत्ती का 24 में इस बातों को हम पढ़ रहे हैं। यीशु मसीह कह रहे हैं अंतिम दिनों में ये सब होने वाला है। लोगों का प्रेम ठंडा हो जाएगा, लोग प्रभु का सेवा में आए हुए लोग होंगे, नहीं तो विश्वासीगण प्रभु के लिए अच्छा से रहे होंगे, लेकिन मन अलग अलग बातों में आज भटक जाता है। लेकिन हम सावधान रहे, अपने मनों को केंद्रित करें। परमेश्वर का जो बुलावट है अटल है, भले वो अटल है, लेकिन हम उसको गवाने से बात में हम उसके लिए पछताने से भी हमारे लिए तकलीफ होता है, समय बर्बाद हो जाते हैं, लोगों के जीवन में आशीष हम दे नहीं पाते हैं, हम लोगों के लिए आशीष के कारण नहीं बनते हैं। जब तक कोई अपने आप को समर्पण नहीं करेगा परमेश्वर उसको काम पे नहीं लगा पाएंगे। आज मेरे भाई बहन बच्चे लोग, सबसे पहले आप अपने परिवार में, अपने कुटुंब में, अपने साथी लोग, पड़ोसी लोग हैं, अड़ोसी पड़ोसी, उनके बीच में आपके लिए जो जिम्मेदारी है, जो सेवकाई है, उसको निभाने के लिए प्रभु से कृपा मांगे, लोगों को सहन ले, लोगों के ऊपर धीरज रखें, लोगों को वचन को सिखाएं, वचन को कैसे काम पे लगाना है। आज प्रॉब्लम मेन है वचन थोड़ा बहुत मालूम हो तो भी उसको गलत तरीके से इस्तेमाल करते हुए लोग पापों में पड़ा रहने के लिए और अविश्वास को प्रचार करने के लिए, अविश्वास में पड़ा रहने के लिए लोग कोशिश करते हैं। वचन को सही ढंग से इस्तेमाल करने वाले, उसको सही ढंग से लोगों को समझाने वाले, काम पे लगाने वाले लोग कम होते जा रहा है। आज महिमा जी कलीसिया में मेरे भाई बहन बच्चे लोग, मेरे लिए आपके लिए एक चुनौती है, हमारा मन इसमें लगना है और ज़्यादा से ज़्यादा वचन पढ़ने के लिए, वचन को सीखने के लिए, सिखाने के लिए और प्रेम में आगे बढ़ने के लिए, प्रभु की सेवकाई के लिए मन लगाने के लिए, जैसे पौलुस कहता है अपने दौड़ को पूरी करना है और परमेश्वर से जो मिला है अनुग्रह का सुसमाचार प्रचार करने के लिए जो सेवा मिली है उसको पूरा करना चाहिए। इसके पीछे अपना मन को लगाना चाहिए। अनर्थ बात जो जो ज़रूरत नहीं है, बेकार की बातों पर हम अपना समय को बर्बाद ना करें। जो इस दुनिया की बातें हैं जो निरंतर रहने वाले नहीं हैं, ऐसे चीज़ों के लिए चिंता ना करें। तो यीशु ने कहा क्यों चिंता करते हो, क्या खाएंगे क्या पिएंगे, स्वर्गीय राज्य की खोज में रहो। किसके खोज में रहना, यही आज हम देख रहे हैं, स्वर्गीय वस्तुओं की खोज में रहना, स्वर्गीय राज्य की खोज में रहना, स्वर्गीय के सेवकाई के लिए खोज में रहना। हमारे लिए बड़ी सेना तैयार है, स्वर्गीय सेना हमारे घिरे हुए हैं, हमारा साथ देने के लिए वो लोग तैयार है। जब हम आगे बढ़ेंगे वो लोग जरूर हमारा साथ ही सेवा में मददगार बनेंगे। आज मेरे एक एक भाई लोग, बहन लोग, हम लोग प्रभु की सेवा में आए हुए हैं, हमको एक एक चीज़ों में हिम्मत दिखाना होगा, हर चीज़ के लिए हिम्मत से आगे बढ़ना है, आलसीपन के लिए, डर के लिए और नफरत के लिए, भय के लिए जगह न दें। प्रभु का प्रेम हमारा अंदर काम करेगा, विवश करता रहेगा, हम आगे बढ़ते जाएंगे। मन को केंद्रित करना है, स्वर्गीय वस्तुओं पर केंद्रित करना है और आगे हम देख सकते हैं किस बातों के लिए अपना मन को हम लगाना, किसके पीछे हम पढ़ना है, किसके लिए हम मेहनत करना है। मसीही जीवन एक विश्वास की जीवन है, लेकिन इसमें विश्वास के लिए हमें मेहनत करना होता है। उस विश्वास को दौड़ दौड़ने के लिए, विश्वास को काम पे लगाने के लिए एक हमारे लिए एक मेहनत होती है, वो चीज़ उसी के लिए मन लगाना पड़ता है, मन को एकदम तेज रखना पड़ता है मसीह बातों के लिए, पवित्र बातों के लिए। यहाँ लिख रहे हैं रोमियों को 12:18 में, जहाँ तक हो सके तुम बरसक सब मनुष्यों के साथ मेल मिलाप रखो, सबके साथ मेल मिलाप रखना जितना सक हो सकेगा, मेल मिलाप बहुत ज़रूरी है। आज मसीह भी समाज में एक तो लोगों के लिए एक दर्शन नहीं है, एक मकसद नहीं है, उसके लिए लोग कुछ कर नहीं पा रहे हैं, क्या करना है पता नहीं, कुछ लोग खाली बैठे हुए हैं, कोई सेवा देगा करके वेट करते जा रहे हैं और कुछ लोग हैं आपस का मेल मिलाप नहीं है, इसके कारण प्रभु का काम टूट जाता है, टूटपाट होता है,
मेल मिलाप के लिए पीछे पड़ना, शांति की खोज में रहें। वरुणी की किताब में बोल रहे हैं हम सब शांति के खोज में रहें, पवित्रता की खोज में रहे, दोनों को बात लेके आ रहे हैं। किस बातों का आज खोज में रहना चाहिए? स्वर्गीय वस्तुओं की खोज में रहना है, स्वर्गीय राज्य के खोज में रहना है। आपके लिए जो बुलावट आपके बारे में परमेश्वर का मकसद है उसको पूरा करने के लिए पूरा यत्न करना है, और साथ ही साथ दूसरे लोग भी जो प्रभु के राज्य के लिए मेहनत कर रहे हैं उनके कामों को हम बिगाड़ने वाला ना रहें, उनके कामों का कंपटीशन बनने वाला ना रहें, उनके हाथों को ढीला करने वाला ना रहें, उनको उत्साहित करने वाले रहें, मेल मिलाप से रहें। मेल मिलाप से रहने से ज़रूर कलीसिया आगे बढ़ेगा। कितने सारे लोग हैं प्रभु के राज्य के लिए बुलाए गए, प्रभु के काम के लिए बुलाए गए, लेकिन छोटे मोटे झगड़े में, छोटे मोटे मिसअंडरस्टैंडिंग के कारण छुपे हुए रहते हैं, प्रभु के काम में आगे नहीं आएंगे। किसी के साथ उनका जमता नहीं, किसी के साथ उसको मेलजोल नहीं होता है, करके कोई भी काम में आएंगे नहीं। एक बात समझना ज़रूरी है, मसीह के काम जो भी है एक झुंड के साथ होती है, टीम वर्क होती है, इसलिए मेल मिलाप की खोज में हमें रहना है। यहाँ लिख रहे एफिसियों के 4 में, इसलिए मैं जो प्रभु में बंदी हूँ तुमसे विनती करता हूँ कि जिस बुलावट से तुम बुलाए गए थे उसके योग्य चाल चलो। तो बुलावट है प्रभु की सेवकाई के लिए, लेकिन अभी उसके योग्य चाल चलन क्या है बता रहे हैं, अर्थात सारी दीनता और नम्रता सहित और धीरज धरकर प्रेम से एक दूसरे की सहलो और मेल के बंधन में आत्मा की एकता रखने का यत्न करो, यत्न करो, खोज में रहो, आत्मा की एकता रखने के लिए यत्न करो। आज क्या यत्न करना है? कुछ लोग सोच रहे मसीह का जीवन में आ गया, हमें कुछ करने का नहीं है, लेकिन बाइबल बताती है, नया नियम की कलीसिया के लिए बताया जा रहे हैं, मेल के बंधन में आत्मा की एकता रखने का यत्न करो, सहलो, धीरज रखो, नम्रता रखो, दीनता रखो, प्रेम में एक दूसरे को सहलो। यही योग्य चाल चलन है, बुलावट की योग्य चाल चलन। मसीह में एक शरीर होकर बुलाए गए, आगे बोल रहे एक ही शरीर है, एक ही आत्मा है, एक ही पिता है, एक ही बपतिस्मा है करके एफिसियों 4 में और आगे त्रिएक परमेश्वर की बातें कर रहे हैं। एक ही पिता, एक ही प्रभु है, एक ही आत्मा है। तो हम लोग एक है यीशु मसीह के अंदर, इस बातों को कभी भूले नहीं, इसके लिए पूरा यत्न करना जरूरी है। मेरे भाई बहन बच्चों लोग, कैसे हम यत्न कर पाएंगे? हम नम्रता सहित सहलेंगे। भजन संहिता 133 में हम लोग सब जानते हैं, देखो कितनी बली और मनोहर की बात है, भाई लोग आपस में मिले रहे, उस उत्तम तेल के समान है जो हारून के सिर पर उंडेला जाता है, उसके दाढ़ी पर से बहक कर उसके वस्त्र की चोट तक पहुंच गया है। देखिए कैसे एक अभिषेक का वहां पर महसूस होती है, जहां पर एकता है वहां पर आत्मा की काम होती है, अभिषेक होती है, वहां पर एक ताजापन होती है। वहां लिख रहे हरमोन की उस होश के समान है, सियोन की पहाड़ों पर गिरती है, यहोवा ने तो वहीं सदा के जीवन की आशीष ठहराई हुई है, सदा की जीवन अनंत काल की आशीष वहां पर, एकदम ताजापन को महसूस करेंगे। आज मेल मिलाप के लिए यत्न करना है, जहां पर भी छोटा झुंड है वहां पर ग्रुपिज्म ना रहे, पार्टीशन ना रहे, जाति के ऊपर में, अपना फेवरेटिज्म के ऊपर में, इसी के कारण कलीसिया का नुकसान होती है, सेवकाई टुकड़ा हो जाता है, आपस में प्रेम नहीं कर पा रहे हैं। आज मेरे भाई बहन बच्चे लोग, परमेश्वर का वचन आज हम सीख रहे हैं, हमारा मन किस में लगनी चाहिए। ज़्यादातर ऐसे जो पार्टीशंस होते हैं, ग्रुपिज्म होते हैं, इंसान का व्यक्तिगत स्वार्थीपन के खातिर होती है, मुझे चांस नहीं दिया, मुझे मेरा आत्मिक आगे नहीं आने दिया करके
लोग अपने स्वार्थीपन के चक्कर में परमेश्वर की राज्य के काम को बिगाड़ देते हैं। आज इस खोज में हम रहना, शांति के खोज में रहना चाहिए। हमारे लिए जो जिया दिया गया सेवा जो है उसको समझ लेना चाहिए। टाइम वेस्ट करते हुए नहीं रहना है। कोई लोग सालों पर बैठा रहते हैं, मेरा सेवा क्या है करके मुझे पता नहीं करके, लेकिन सामने आने वाले जो छोटा मोटा सेवा है वो करने के लिए तैयार नहीं होते हैं। आज मेरे भाई बहन समझ लो, सबके लिए परमेश्वर काम रखा है। सब लोग अपने जिम्मेदारी को महसूस करना, दूसरी चीज सब लोग अपने स्तर मतलब अपने पोजिशन को समझना चाहिए। यही रोमियो 12 में लिख रहे हैं, अपने से बड़ा मत समझना। अपने लिए जो दिया गया दान है, अपने लिए दिया हुआ जो वरदान है, विश्वास है, उसके बढ़कर उसे बढ़कर अपने आप को बड़ा नहीं समझना। जिस सेवकाई दिए गए उसी को हम अच्छी तरह करें, उसी में खोजें, उसी में बढ़ने की कोशिश करें। जो भी प्रभु आपको देते हैं तलंत मिलता है, छुपाने के लिए नहीं है, ऐसे बर्बाद करने के लिए नहीं है। आज मेरे भाई बहन बच्चे लोग प्रभु की सेवा को आगे बढ़ाना है। सब लोग अपना हाथ लगाइए, सब लोग मेहनत कीजिए। हम आपस में शांति से रहना चाहिए और हम परमेश्वर के साथ भी अच्छे शांतिमय जीवन व्यतीत करना है। पत्रस लिख रहा है, दूसरे पत्रस में प्रभु के आगमन के बारे में लोगों को चेतावनी दे रहे हैं। प्रभु के आगमन चोर के समान आएगा। उस समय में तत्व प्रचंड आग से जल जाएगा। दूसरे आगमन की बातें कर रहे हैं, जब यीशु मसीह आएंगे कैसे होगी, 1000 साल के राज्य के बाद सब चीज नया बन जाएगा, नया आसमान नया पृथ्वी, उसकी बातें कर रहे हैं। उसके बाद बता रहे, ये प्रियो जबकि तुम इन बातों को आस देखते हो कि यत्न करो कि तुम शांति से उसके सामने निष्कलंग और निर्दोष ठहरो। शांति के साथ परमेश्वर के साथ जो शांति है, परमेश्वर का जो शांति है, निष्कपट मन के साथ रहता है। जब कपटी रहते हैं उनका मन कभी शांति नहीं पाएगा, कलंगित हो जाता है, मन दोष लगाएगा, फिर शांति नहीं मिलेगा। यहाँ लिख रहे, शांति से उसके सामने निष्कलंक निर्दोष खड़ा होना है। उसके लिए यत्न करो, उसके लिए खोज में रहो, उसी के लिए बुलाए गए हैं। परमेश्वर आपको बुलाया है। यहूदा लिखता है, ये मेरे प्रियो तुम अपने अति पवित्र विश्वास में उन्नति करते हुए, पवित्र आत्मा में प्रार्थना करते हुए अपने आप को परमेश्वर का प्रेम में बनाए रखो और अनंत जीवन के लिए हमारे प्रभु यीशु मसीह की दया की बाट जोते रहो। उसके बाद बोलते हैं, ठोकर खाने से हमें बचाने वाले, अपने समूह में आनंद के साथ खड़ा करने वाले परमेश्वर, अपना यत्न में करना है, बाट जोते रहना है, उसका प्रेम में बना के रखना, अपने आप को बनाए रखो प्रार्थना करते हुए। आलसी मत बनो, ये यत्न करना है। आज मेरा मन इसी में लगे रहना है, शांति के लिए खोज में रहना है, अपने आप को प्रभु का प्रेम में शांति में बनाए रखे, शांति के खोज में रहें, प्रेम के खोज में रहें, एकता की खोज में रहें, उसका प्रेम में बनाए रखे। यीशु जल्दी आने वाला है मेरे भाई बहन बच्चों लोग। आज मेरे इस वचनों को सुन रहे हो, आप किस बातों के लिए खोज में हो? कुछ लोग अपने जीवन भर पढ़ाई नौकरी पैसे कमाना, ये करना वो करना करते रहते हैं, जिंदगी भर उसी खोज में रहते हैं, आखिरकार वो सब छोड़ के जाना पड़ता है। आज हम पवित्रता की खोज में रहें, शांति की खोज में रहें, प्रेम की खोज में रहें, सेवा की खोज में रहें, जो बुलाए गए उस मकसद की खोज में रहें। परमेश्वर के राज्य को बढ़ना है। कोई भी चीज़ अपने आप से हमारा गोद पर आकर नहीं बैठता है, ऐसे नहीं गिरता है, पीछे पड़ना पड़ता है। आत्मा को जीतने के लिए पीछे पड़ना पड़ता है। कभी कभी सोचते रहेंगे अपना कलीसिया में लोग अपने आप से आ जाएंगे, आएंगे ज़रूर, लेकिन हमें भी उनको भी सही ढंग से हम स्वागत करना, उनके साथ वचन बांटना है,
उनको भी वचन सिखाना है, उनके लिए हम एक अच्छे गवाही बनना है, उनके लिए अद्भुत काम प्रभु के अर्थ से होना है, प्रभु के अद्भुत काम देने के लिए, उनके लिए देने के लिए हम विश्वास की वचन उनको बताना है, और हमें ढूंढना है। हुए हुए बेड़ों को ढूंढने के लिए यीशु मसीह हमें बुलाया है। पवित्रता की खोज में रहो, इब्रानियों के 12 अध्याय 14-15 वचनों को देख रहे हैं। सबसे मेल मिलाप रखो और उस पवित्रता की खोजी हो जिसके बिना कोई प्रभु को कदापि न देखेगा। देखिए, मेल मिलाप तो चाहिए, मेल मिलाप बहुत ज़रूरी है, लेकिन साथ ही साथ ये भी बता रहे हैं पवित्रता की खोज में रहना चाहिए। पवित्रता ज़रूरी है, पवित्रता के बगैर हमारा आत्मिक जीवन बेकार हो जाता है। कहते हैं उसके बगैर प्रभु को कदापि ना देखेगा, प्रभु के साथ नज़दीक संबंध नहीं, उसके आगमन में जाना है, उसके लिए पवित्रता की खोज में रहना है। साथ ही साथ मेल मिलाप भी, दोनों को सही बैलेंस करना है। जहाँ पवित्रता को त्याग करके मेल मिलाप की बात होती है उसमें हम सहमत नहीं हो सकते हैं, लेकिन मैं पवित्रता में रहूँगा करके लोगों को नफरत करना, शांति को बिगाड़ना, ये भी सही नहीं है। यभिष्य के 1:4 बोल रहे हैं, उसने हमें जगत की उत्पत्ति के पहले से चुन लिया कि उसके निकट प्रेम में पवित्र है और निर्दोष रहे। हमारा पवित्रता के साथ शांति भी रहेगा, प्रेम भी जुड़ा रहेगा। प्रेम के साथ पवित्रता है, सच्चाई को भी प्रेम से बताओ करके यभिष्य 4 में हम पढ़ रहे हैं। प्रेम में पवित्र होने के लिए, निर्दोष रहने के लिए जगत को उत्पन्न होने से पहले परमेश्वर ने चुन लिया। प्रेम में पवित्रता होना चाहिए। और मेरे भाई बहन बच्चों लोग, पवित्रता की खोज में रहें, शांति के खोज में रहें, प्रेम के खोज में रहें, प्रभु का प्रेम में बनाए रखें और अपने बुलावट की खोज में रहें। जो बुलाए गए उस बातों को करने के लिए पूरा यत्न करें, सावधान से रहें, जागते हुए रहें, सोते हुए ना रहें। मत्ती का 24 अध्याय में यीशु मसीह अपने आगमन के बारे में बोलते थे, उस समय में इस तरह से कह रहे हैं, वह विश्वास योग्य और बुद्धिमान दास कौन है जिसे स्वामी ने अपने नौकर चाकरों पर सरदार ठहराया कि समय पर उन्हें भोजन दे। धन्य है वह दास जिसे उसका स्वामी आकर ऐसा ही करते पाए। मैं तुमसे सच कहता हूं, वह उसे अपनी सारी संपत्ति पर अधिकारी ठहराएगा। परंतु यदि वह दुष्ट दास सोचने लगे कि मेरे स्वामी के आने में देर है और अपने साथी दासों को पीटने लगे और पियकट्टों के साथ खाए पिए, तो उस दास का स्वामी ऐसे दिन आएगा जब वह उसकी बाट न जोता हो और ऐसी घड़ी जिसे वह जानता न हो, तब वह उसे भारी ताड़ना देगा और उसका बाग कपटियों के साथ ठहराएगा, वहां रोना और दांत पीसना होगा। देखिए, वे कड़क शब्दों से यीशु मसीह कह रहे हैं, अविश्वासियों के साथ, कपटियों के साथ उसका बाग होगा। आज हम लोगों का जीवन में हमारा साथी लोगों को हम कैसे हम चला रहे हैं, कैसे उनके साथ व्यवहार कर रहे हैं, किसी के साथ अन्याय कर रहे हैं क्या, आज हम इसको देखना चाहिए। सावधानी से रहना, हमारा दिया हुआ एक जिम्मेदारी, हमारा दिया हुआ एक आशीष है, उसको हम बिगाड़ने नहीं पाए। शांति को बिगाड़ने वाला ना रहें, लोगों को तकलीफ देने वाला ना रहें। यीशु मसीह जल्दी आ रहा है, जहाँ पर हम सोचे भी नहीं होंगे या हमको मालूम नहीं, उस समय में ज़रूर आएगा। और आखिरी एक चीज़ है जिसके पीछे हमें पढ़ना चाहिए, जिसके खोज में हम रहना चाहिए, वो है हर प्रभु के बच्चों के लिए ज़रूरी है। विश्वासी हो, सेवक भी हो, पुराना भी हो, नया भी हो, सब लोगों के लिए एक चीज़ की ज़रूरी है। पत्रस अपना किताब में आखिर में लिख रहा है, हमारा प्रभु और उद्धारकर्ता यीशु मसीह के अनुग्रह और पहचान में
बढ़ते जाओ, उसी की महिमा अभी भी हो और युगान युग होते रहे, आमीन। यहाँ पर लिख रहे हैं हर एक विश्वासी के लिए, वो अपना ग्रीटिंग्स दे रहे हैं, अपना कंक्लूशन दे रहे हैं और आशीष वचन दे करके कह रहे हैं, हमारा प्रभु और उद्धारकर्ता यीशु मसीह के अनुग्रह और पहचान में बढ़ते जाओ। इसके लिए पीछे पढ़ना, जिंदगी के आखिरी तक हमारे लिए बड़ा एक काम है परमेश्वर का जानने के लिए पीछे पढ़ना है। जितना भी हम जान लें, जितना भी हम अनुभव कर लें, काफ़ी नहीं है। बहुत कुछ जान लिया करके हम सोचे हुए नहीं रहे, और भी पहचानना चाहिए और भी जानना चाहिए। इसी दूसरे पत्रस के पहले पत्री में वैसा बता रहे हैं, परमेश्वर की और प्रभु यीशु मसीह की पहचान के द्वारा अनुग्रह और शांति तुम्हें बहुत आज से बढ़ती जाएं। स्टार्टिंग में भी यही बात को बता रहे हैं, यीशु मसीह के पहचान के द्वारा हम जितना प्रभु को हम जानेंगे, उसके पीछे उसको जानने के लिए हमारा दिल पीछे पड़ेगा, उतना ही हम अनुग्रह में बढ़ते चले जाएंगे। साल बीतने से नहीं है, बड़े पदवी पद मिलने से भी नहीं है, बड़ा पोस्ट मिलने से नहीं है, परमेश्वर का और भी पहचानना चाहिए, प्रभु को जानने के लिए पीछे पढ़ना चाहिए। यहाँ पर आगे लिख रहे हैं, क्योंकि उसकी ईश्वरीय सामर्थ्य ने सब कुछ जो जीवन और भक्ति के संबंध रखता है हमें उसी पहचान के द्वारा दिया है। उसको पहचानने से ही हम जीवन की सब जरूरत को हम पा सकेगा। उसको पहचान लेना, उसके पहचान के द्वारा ईश्वरीय सामर्थ्य ने सबको जीवन और भक्ति के संबंध रखता है, उसी पहचान के द्वारा हमें दिया है, जिसने हमें अपनी ही महिमा और सद्गुण के अनुसार बुलाया है, उसका प्रेम से हमें बुलाया। कहते उसको जब तक नहीं पहचानेंगे, परमेश्वर का सामर्थ्य रहते हुए भी उसके तरीका को नहीं मालूम होंगे, उसके प्रभु की इच्छा को मालूम नहीं होंगे, लोग आशीष को प्राप्त नहीं कर पाते हैं। इसलिए लिख रहे, ईश्वरीय सामर्थ्य ने सब कुछ जो जीवन और भक्ति का संबंध रखता है उसी का पहचान के द्वारा देता है। उसको जब तक नहीं पहचानेंगे, प्रभु को सही ढंग से नहीं जानेंगे, सारे आशीष ऐसे पड़ा रहेगा, भाने बगैर रह जाता है। उसको पहचानना चाहिए, मसीह के प्रेम में बढ़ना चाहिए, उसके पहचान में बढ़ोतरी होना है, उसके पीछे पढ़ना है। वो अपने आप से नहीं होती है। उसे के किताब में पुराने नियम में देख रहे हैं, चलो यहोवा की ओर फिरे, क्यों उसी ने फाड़ा वही चंगा भी करेगा, उसने मारा वही हमारा गांवों पर पट्टी भी बांधेगा, दो दिन के बाद हमको चिल्लाएगा। बोलते हैं जो ये इसराइली लोग हैं, जो लोग अपना जीवन में संकट में गुजर रहे थे, उन लोगों के लिए ताड़ना मिली, उन लोगों के लिए संकट आई, लेकिन सेवक कह रहा है हम इसको पीछे पढ़ना चाहिए, हो आपको जान लो, वो हमको चंगा करेगा, वही हमें पट्टी बांधेगा, तीसरा दिन हमें हमको उठाकर खड़ा कराएगा। जैसे यीशु मसीह तीसरा दिन जिंदा हुआ है, उसका एक भविष्यवाणी के रूप में भी लिखा हुआ है, हमारे लिए भी एक भविष्यवाणी है। परमेश्वर कोई भी हालत में हम उठा सकते हैं, लिख रहे हैं, तब हम उसके सम्मुख जीवित रहेंगे, उसकी उपस्थिति को महसूस कर पाएंगे, उसके सम्मुख में हरे भरे रहेंगे। उसके लिए क्या आगे बता रहे, आओ ज्ञान ढूंढे, वरन यहोवा का ज्ञान प्राप्त करने के लिए यत्न करें। आज यत्न करने के लिए बातें कर रहे हैं, किस बातों के लिए यत्न करना, यहोवा का ज्ञान प्राप्त करने के लिए यत्न भी करें, क्योंकि यहोवा का प्रकट होना भोर का सा निश्चित है, जरूर प्रभु प्रकट होगा। जैसा रात के बाद दिन आता है, वैसे आपका जीवन जीवन में अंधेरा का समय होता है, आप यहोवा का खोजते रहेंगे, जरूर आपके लिए एक दिन आएगा, भोर का समय आएगा आपके लिए, प्रभु प्रकट होगा। और लिख रहे, वह वर्षा के समान हमारे ऊपर आएगा, वरन बरसात के अंत की वर्षा के समान, जिससे भूमि छींचती है। लिख रहे हैं, जैसे वर्षा आएगा, अंतिम बारिश आएगा, वो हरा भरा बन जाएगा, जो भी सूखापन पड़ा हुआ है भूमि में, उस अवस्था बदल जाएगा, उस अवस्था बदल जाएगा। होशे का 6:3 में हम पढ़ रहे हैं, अंतिम वर्षा
परमेश्वर देने वाला है, उसके लिए परमेश्वर को जानना चाहिए, उसके सामर्थ्य को विश्वास करना है, उसके वचन को जानना है, उसका तरीका को जानना है, उसके लिए प्रार्थना करना है। पिछले बारिश के लिए यहोवा को खोजो, ढूंढो, मांगो, दुगा करके वायदा करते हैं। आगे बता रहे हैं होशे का छे में, क्योंकि बलिदान से नहीं स्थिर प्रेमी से प्रसन्न होता हूं, और होम बलि से नहीं उससे अधिक यह जाता हूं कि लोग परमेश्वर का ज्ञान रखें। कभी कभी लोग होम बलि भी चढ़ा लेंगे, परमेश्वर का ज्ञान नहीं रखेंगे, परमेश्वर को जाने बगैर, उसके पहचाने बगैर, उसके हाथों के काम को, उसके अनुग्रह के कामों को, वचनों को जाने बगैर होम बलि भी चढ़ा सकते हैं, और प्रेम बगैर बलिदान भी चढ़ा सकते हैं। ये वचन यीशु मसीह बार बार नया नियम में कोटेशन दे रहे थे, होशे का छे का छे का, मैं बलिदान से नहीं स्थिर प्रेम से प्रसन्न होता हूँ, और होम बलि से अधिक ये चाहता हूँ कि लोग परमेश्वर का ध्यान रखें। आज मेरे भाई बहन बच्चे लोग, हम किसके खोज में रहना, किसके लिए यत्न करना है, यहोवा को जानने के लिए चलो हम उसके पीछे पड़ते हैं, जरूर वो प्रकट होगा। अय्यूब का जीवन में जब समस्या आई, परमेश्वर ने अपना आप को उसके लिए प्रकट किया। जब अय्यूब के लिए परमेश्वर का ज्ञान मिल गए, परमेश्वर उसके लिए अद्भुत काम किया है, सब कुछ दोगुना वापस दिया है। आज हम परमेश्वर को जान लें, परमेश्वर का प्रेम को जान लें, उसका विश्वास योग्यता को जान लें, उसके सामर्थ्य को जान लें, उसके वचन को हम सुन लें, वचन में उसका स्वभाव को हम देखें। परमेश्वर प्रेमी है, परमेश्वर दयालु है, परमेश्वर माफी करने में दयालु है, उस महान सामर्थ्य है, उसको विश्वास करेंगे, जरूर उसके अद्भुत कामों का हमारे जीवन में हम अनुभव कर पाएंगे। आइए हम प्रार्थना करेंगे। परमेश्वर आपसे प्रेम रखते हैं, आप यत्न करो शांति से रहने के लिए, यत्न करो पवित्र रहने के लिए, यत्न करो जो मकसद प्रभु ने दिया है, सेवा दी है, उसको पूरी करने के लिए यत्न करो, उसमें मन को लगाए रखो, स्वर्गीय वस्तुओं की खोज में रहो, और यहोवा को जानने के लिए उसको पीछे पड़ो, इसी के लिए यत्न करें, इसके पीछे पड़े, जरूर वो अपने आप को प्रकट करेगा, अपने आप को छुपाएगा नहीं, उसके हाथों का काम आपका जीवन में प्रकट होगा, उनका चेहरा भी आपको दिखाई देगा, उसके हाथों का काम भी प्रकट होगा। स्वर्ग पिता परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद देते हैं, आज मेरे भाई बहन बच्चों के जीवन में जो भी सत्य वचन आपने दिया है, इस वचन के द्वारा उनका जीवन में काम कर, आप अपने हाथों को कामों को दिखाना चाहते हैं, अपने चेहरे को प्रकाश उन पर चमकाना चाहते हैं, किसी से भी प्रभु जी आप अपना मुंह को मोड़ना नहीं चाहते हैं, क्योंकि यीशु मसीह के लिए प्रभु जी आपने पिता आपने अपना मुंह को मोड़ा था, ताकि हमको हमेशा प्रभु जी आपके मुंह के चेहरे को हम देखने के लिए हमको हमेशा प्रभु जी हमको ऐसा आशीष मिले, ऐसा आपने किया, हम आपका धन्यवाद देते हैं। आज बलिदान से भी होम बलि से भी बढ़कर आप प्रेम से प्रसन्न रहते हैं, आपका ज्ञान जाने के लिए उस बातों का प्रसन्न रखते हैं, उसको आप चाहते हैं प्रभु जी, हम लोग आपको जानें, आपका प्रेम को जानें, समझें, दूसरों को भी बता दें प्रभु जी, उसके खोज में रहें, उस प्रेम के खोज में रहें, उस पवित्रता की खोज में रहें, शांति की खोज में रहें, एक दूसरों को सहलें, एक दूसरों को मददगार बने, विभाजित करने वाले नहीं एकता बनाने वाले बने, कलीसिया को प्रभु जी आपके राज्य को आगे बढ़ाने वाले रहें, हमारे एक ऊपर पवित्र आत्मा का अभिषेक प्रभु जी नदी के समान बहने दें, एक एक अंदर आशीष को लाने दें, सुखापन भर जा बदल जाएं, हरा भरा में बदल जाएं, सुखापन हट जाएं, हरा भरा हो जाए, एक एक मन को हृदय को आप अपना वचन से भर दिया, विश्वास करते हैं, एक एक व्यक्ति को आपके हाथों में समर्पण करते हैं। आजकल हमेशा आप एक सा है, कभी नहीं बदलने वाला है, आपका सत्य वचन कभी नहीं बदलता है, उस वचन के अनुसार हमारे लिए काम कर, तीसरा दिन हमारे लिए आने वाला है प्रभु जी, आप हमें उठा के लेके जाने वाले हैं, जिंदा खड़ा करने वाले हैं, मरा हुआ कलीसिया को जीवित कराने वाले हैं, हम आपका धन्यवाद देते हैं। आपके हाथों में हर मंडली को, हर व्यक्ति को, हमारे सब्सक्राइबर्स को, जो भी यहाँ पर इस प्रोग्राम में जुड़े हुए सभी को समर्पण करते हैं, तेरे आशीष और अनुग्रह पाए, यीशु के नाम से मांगते हैं पिता, आमेन। देखने के लिए धन्यवाद। हमारे पिता परमेश्वर का प्रेम पुत्र यीशु मसीह का अनुग्रह पवित्र आत्मा का संगति हम सबके साथ हमेशा बना रहे, आमेन।